अति हित मधुर बाणी कहुथिबा लोक प्रकृतरे आमर अहित साधन करिबा पई चेष्टा करुथाय। तेणु कौन करिबा दरकार ना निजर बुद्धि आउ विवेकर प्रयोग करिबा दरकार। कैके राजांक ठारु केते स्नेह पाइचंती, केते प्रेम पाइचंती, राम भगवान ठारु केते श्रद्धा पाइचंती। राम सबुबेले अंकपुररे बेसी समय थांती, अंतरंग भाव केते निबिड़, ये सबुगुड़ाक तुच्छ होइगला। मंथरार केई पद कथा मुंडरे इमिति घर करिगला। कैके कौन कहले मंथरा लो तू ठीक कथा कहुचु, आलो ढेरे केते दिन हेलाणी मोर डाहाण आखिटा फड़ फड़ होउची। नारी मानंकर डाहाण आखि फड़ फड़ हेले तांको पाई विपत्ति बोली विचार करा जाए, तांकर बाम अंगटी शुभ। तू ठीक कथा कहुचु आउ मो उपरे विपत्ति आसुची, मु तते कथा दउची मंथरा। कहिले तू मु कुआ गुडेइ पड़िबी, तू कहिले मु स्वामी आउ पुत्र को त्याग करि देबी। तू जहाँ कहिबो मु ताहा करिबी। कहितली खळ संग आउ सत्संग रो कथा। खळ लोकटिए आपणक मन धरा जाउ अमृतर कुंडटिए परी। खळ लोक होची टोपाए विष, से टोपाक विष अमृतर भी जदि पड़गला अमृत हांडीटा क्षीर हांडीटा टोपाए दही पड़ा कौन हम फाटी जीव नष्ट। कैके मनटा नष्ट। कैके अत्यंत प्रवीणा नारी, दशरथंकर जिते राणी अच्छा से मानक भितरे ये तीक्ष्ण बुद्धि संपन्ना। कैके पारिलापणिया गुण कौन, पिता तंकर अश्वपति, अश्वपति सी भी शिखिंट पशु पक्षी भाषा सी भी बुझी पारंती, ज्योतिष विद्यारे से पारंगम, ग्रह तारा इत्यादि स्थिति को सठिक भाव गणन करी से उत्तम निर्णय करी पारंती। रुचि रे प्रवीणा, रूपरे भी प्रवीणा, पुणी युद्ध विद्या क्षत्रिय नारी रो जो अपूर्व धर्म से युद्ध विद्या रे मध्य से प्रवीणा। गोटे दृष्टांत कहुची, सेतेबेले संबरासुर सहित समर प्रस्तुत हला। देवराज इंद्र निमंत्रण कले दशरथ जी को, दशरथ दस दिगरे अश्वचालन करिवारे युद्ध विद्यारे खूब प्रवीण। दशरथ जी इंद्र को सहायता करिवा पई गले, प्रबल संग्राम हला। किंतु अद्भुत कथाटी हेउची रजांक सहित निज आड़ू आग्रह करी राणी कैके सी भी युद्ध को जाइचंती। ए जो युद्ध देवासुर संग्राम एथिरे दशरथंक कीर्ति प्रतिष्ठित हला, किंतु या पछरे बहुत बड़ भूमिका रहिला कैकेयंकर।